हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है एक्स इक्वल्स टू वन ए जीरो वन, साथ ही हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो अननोन कॉन्स्टेंट है ए, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3x है, तो मैट्रिक्स x को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी अचर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने x के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। जब हम 3x मतलब 3x मैट्रिक्स में से 2 3 0 2 इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो हमें 3 माइनस 2 3 a माइनस 3 0 3 माइनस 2, मतलब ये मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 3 a माइनस 3 एंड 1। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगी। दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उनके प्रत्येक पोजीशन पे जो एलिमेंट हैं, अवयव हैं, वो सब समान होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 0 1 1 0 1 सेम है, इसका मतलब 3a माइनस 3 जो है वो 3 के इक्वल आएगा। तो दोनों को इक्वेट करने पे हमें a की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है ए तथा बी, दोनों के ऑर्डर 2x2 हैं, दो पंक्ति दो स्तंभ, 2 रोज एंड 2 कॉलम। हमें ए बी ट्रांसपोज का मान ज्ञात करना है, मतलब हमें सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और वो जो मान आएगा वो A11 पोजीशन पे आएगा, जो हमारी नई मैट्रिक्स होगी। कैसे करना है मल्टीप्लाई? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके आप दोनों को ऐड करेंगे। इसी प्रकार जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मान A12 पोजीशन पे आता है। हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को आपस में ऐड करेंगे। इसी प्रकार हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसे हम 2-1 पोजीशन पे लिखेंगे। और फाइनली सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2-2 पोजीशन पे लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुई है 5 16 9 12, जो ऑलरेडी आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें ए बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम रो एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो जो फर्स्ट रो था वो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा और जो सेकंड रो था वो सेकंड कॉलम में लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर है 5 9 16 एंड 12, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, तो हमें पता करना है कि ए क्या है। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होते क्या हैं। सममित मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो, मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे हमें पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। सेकेंड नंबर पे है विषम सममित मैट्रिक्स। यदि ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ए आ जाए, मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम विषम सममित
मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर थ्री है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के लिए हमें मैट्रिक्स ए का सारणिक लेना है। अगर उसका सारणिक का मान जीरो के इक्वल नहीं हो, चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उस केस में हम मैट्रिक्स ए को व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम सबसे पहले दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम में चेंज करना है, तो जो फर्स्ट रो था वो ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आएगा एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम में आएगा। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज लिया आपने वो ए के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्लियरली ये मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स नहीं है। पुनः आप देख सकते हो कि ये माइनस ए के भी इक्वल नहीं है। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो हमें वापस ए मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब ये विषम सममित मैट्रिक्स भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों गलत हैं। तो हम ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी के लिए हमें इसका सारणिक निकालना है दी गई मैट्रिक्स का। जब इसका सारणिक निकालते हैं तो सारणिक का मान ये आप स्वयं सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सारणिक का मान 18 आ रहा है। क्लियरली वो जीरो के इक्वल नहीं है, और क्योंकि सारणिक का मान जीरो के इक्वल नहीं है अतः ये मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। दोनों मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनकी कोटि 3 है, मतलब उनका ऑर्डर 3 है, मतलब कि वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। साथ ही हमें दिया हुआ है कि ए के सारणिक का मान -1 है, बी के सारणिक का मान 3 है। तो हमें 3AB के सारणिक का मान ज्ञात करना है। अब यहां जो सूत्र काम में आने वाले हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सूत्र जो यहां काम आएगा कि यदि ए कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर n हो, जिसकी कोटि n हो, तो के ए का सारणिक, यहां पे के कोई भी अचर संख्या है, मतलब हमने मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई किया फिर उसका हम सारणिक ले रहे हैं, तो उसका मान के टू दी पावर एन टाइम्स ए का सारणिक के इक्वल आएगा। क्योंकि ए का ऑर्डर एन है और हमने के से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ए के सभी अवयव के से मल्टीप्लाई होंगे, और सारणिक निकालते वक्त हम प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम में से के कॉमन निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास एन रो है इसलिए हर रो में से के कॉमन निकलेगा, तो टोटल हमें के की पावर एन प्राप्त होगी। इसी में एक और सूत्र काम में आने वाला है, वो ये है कि यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो उनके गुणनफल का सारणिक, उनके प्रोडक्ट का सारणिक ए के सारणिक और बी के सारणिक के गुणनफल के या मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मतलब आपको अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उनका सारणिक निकालना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग सारणिक निकालें और उन्हें मल्टीप्लाई कर दें। अब इस क्वेश्चन में हमें ए भी दिया हुआ है कि वो 3 क्रम या 3 कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है। इसका मतलब 3AB का जो सारणिक है वो आएगा 3³ सारणिक ऑफ AB। 3³ कहाँ से आया, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए K की जगह तो 3 लिखा हुआ है और N की जगह भी 3 है, कोटि भी 3 है और कांस्टेंट K की वैल्यू भी 3 है, इसलिए K की जगह 3 लिखना है, N की जगह भी 3, 3³ आएगा। सारणिक हमें जो भी दी हुई है वो भी एजिटिज रहेगी, ए और बी एजिटिज रहेंगे। अब 3³ 27 हो गया। ए बी का सारणिक जो हमने अभी ऊपर बताया आपको फॉर्मूला, सारणिक ऑफ ए सारणिक ऑफ बी के इक्वल है। इन दोनों के मान हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, -1 और 3 मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ रही है -81। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप,
कि यदि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की, तो हमें उसका एडजॉइंट ऑफ ए को हम सेकंडस मैट्रिक्स भी कहते हैं। हमें एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने की विधि थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। हमें कोफैक्टर निकालने हैं, मतलब सेकंड निकालने हैं सभी के। यहां सबसे पहले पहला एलिमेंट है -5। -5 का जब हम सेकंड निकालते हैं तो वो वैल्यू आएगी -3। हमें जिस भी अवयव का सेकंड निकालना है, हम उस अवयव वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं और बचे हुए मैट्रिक्स का पार्ट का हम सारणिक निकालते हैं। अब क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमें -5 का सेकंड निकालना है, तो -5 वाली पंक्ति और कॉलम को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास केवल -3 बचेगा। 2 का जब हम सेकंड निकालेंगे तो हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, लेकिन माइनस के साथ। सेकंड निकालते वक्त हमें प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है पोजीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर प्लस साइन आएगा, इसके साथ माइनस साइन आएगा, फिर यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, उनकी पोजीशन के हिसाब से। इस तरह से हम चारों एलिमेंट के सेकंड निकालेंगे। 1 का सेकंड -2 आएगा और -3 का सेकंड -5 आएगा। एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने पे हमें प्राप्त हुआ -3, -2, -1, -5, मतलब ऑप्शन ए सही है। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। हमें सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये ध्यान रखें कि जब भी हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो जो विकर्ण के अवयव हैं, डायगनल के जो एलिमेंट हैं, इनको आपस में इंटरचेंज करना है, एक दूसरे की जगह लिखना है। और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है, जो विकर्ण में नहीं है, उनको चेंज नहीं करना है, उनके आगे माइनस का साइन लगाना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, डायगनल के एलिमेंट को आपस में चेंज करना है और नॉन डायगनल एलिमेंट के आगे माइनस का साइन लगाना है, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें हमें दी गई मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालना है, जिसे इनवर्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहां पे सूत्र जो काम में आने वाला है वो ये है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स का मतलब ए का प्रतिलोम जो है वो 1 अपॉन ए का सारणिक मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। दिया हुआ है कि सारणिक ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का सारणिक 0 हो जाता है तो हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते, हम उस मैट्रिक्स को अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि ए का सारणिक 0 नहीं होना चाहिए। अब जब हम इस मैट्रिक्स का सारणिक निकालते हैं तो हम देखते हैं कि सारणिक का मान 1 आता है, जो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स या प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब यहां आप देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए जब हम निकालते हैं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक काम में लेंगे। सबसे पहले हम डायगोनल के एलिमेंट को, विकर्ण के अवयव को इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे की जगह लिखेंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं उनके आगे माइनस साइन लगाएंगे। हमें उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल विकर्ण के अवयव को चेंज करना है, इनके आगे माइनस साइन लगाना है। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए पता चल गया, सारणिक ए का मान 1 है। इस फॉर्मूले में आप जब रखेंगे तो ए का मान 1 है, तो 1/1 रह गया, तो ए इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होगा, मतलब कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 ऑर्डर की, ए और बी। हमें ए बी का सारणिक निकालना है। अब इस मैट्रिक्स में आपको
ए बी का सारणिक का फॉर्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि जब हमें ए और बी दो मैट्रिक्स को गुणा करके सारणिक निकालना है तो आपको मैट्रिक्स को गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों के अलग अलग सारणिक निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ए का सारणिक का मान, क्योंकि ए विकर्ण मैट्रिक्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट इसमें जीरो हैं, कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स हो उसका सारणिक निकालने का तरीका क्या है कि हम उसके विकर्ण के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए का सारणिक का मान 2 × 2 × 2 मतलब 8 होगा। बी पे ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स बी जो है वो है ऊपरी त्रिभुजाकार, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जब कोई मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो, निम्न त्रिभुजाकार हो, ऐसे मैट्रिक्स का सारणिक निकालते वक्त भी हमें डायगोनल के एलिमेंट मतलब विकर्ण के अवयव को गुणा करना होता है, विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है इसका। तो सारणिक बी का मान होगा 1 × 1 × 2 मतलब 2। तो ए बी का सारणिक हो गया ए का सारणिक मल्टीप्लाइड बाय बी का सारणिक मतलब 16। स्टूडेंट आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमें दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, तो हमें ए स्क्वायर का मान निकालना है और हमें चेक करना है कि वो इनमें से किसके इक्वल है, इकाई मैट्रिक्स के या शून्य मैट्रिक्स के, या ए स्क्वायर का मान ए के इक्वल है या फिर वो -a के इक्वल है। तो जब हम ए स्क्वायर का मतलब होता है कि मैट्रिक्स ए को दो बार लिख के उनको मल्टीप्लाई करना, तो हमने मैट्रिक्स ए को दो बार लिखा। मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको पहले ही बताया मैंने आपको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 1 1 पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और वो वैल्यू 1 2 पोजीशन पे आएगी, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 1 3 पोजीशन पे आएगी। इसी प्रकार हमें सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना है एंड थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मैट्रिक्स प्राप्त होती है जो कि इकाई मैट्रिक्स है, अतः इसका सही ऑप्शन ए है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मैं कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा डिटरमिनेंट के। थैंक यू।